कि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का पैसा चेक करने जा रहे हैं, स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो आपको ऐसा शो हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, या फिर से ऐसा शो हो रहा होगा। अगर आप ऐसा शो हो रहा है और आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझ ही पा रहे होंगे लेकिन ये नहीं मालूम है इस जो परेशानियां हो रही है, जो ये दिखाई दे रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना पड़ेगा, तो आपका पेंशन फिर से दोबारा चालू हो जाएगा। तो पहले ही हम आपको बता देते हैं, देखिए पेंशन किसी का कटता नहीं है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि हमारा पेंशन कट गया है, देखिए पेंशन कटता नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, चाहे कुछ गड़बड़ी आ जाती है आपके और आपके बैंक में और आपके पेंशन पोर्टल के संबंध में, तो आप पेंशन को रोक दिया जाता है। जब चीजें मैच नहीं करेगी, पेंशन को वहीं पर रोक कर दिया जाता है, और जब आप उसे सुधरवा देंगे, सही करा देंगे, तो आपके अकाउंट में बिना पूछे ही आपका पैसा आ जाएगा, जितने महीने का रुका रहेगा। ये नहीं कि आपका साल भर से रुका है तो सिर्फ 3 ही महीना का आएगा, आपका पूरे साल भर मतलब 12 महीने के 12,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप जा रहे होंगे आप स्टेटस चेक करने के लिए और ऐसा शो हो रहा होगा, तो देखिए अगर ऐसा पेंशन के पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे तो ऐसा शो नहीं होगा। हमने बताया है कई वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाकर अगर PFMS वेबसाइट से अगर आप चेक करते हैं तो वहां पे आपको ऐसा डिस्प्ले होगा। तो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है तो आपका सोल्यूशन क्या है, तो उन सोल्यूशन जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए बारी बारी से जानते हैं। पहला प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा आधार नॉट सीडेड, मतलब आपका आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट में सीडेड नहीं है। देखिए इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई DBT कराता है, कोई NPCI कराता है और कोई EKYC कराता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सीडेड करा देंगे, मतलब NPCI करा देंगे, चाहे DBT करा देंगे, चालू करा देंगे, तब आपके खाते में अगली बार जैसे ही भेजा जाएगा पेंशन आ जाएगा। अगली बार का ये मतलब नहीं कि आपको 3 महीने बाद भेजा जाएगा, जैसे आपका सीडेड हो जाएगा तो 10 दिन 20 दिन या 5 दिन के बाद आपको पैसा भेजा जाएगा और आपके खाते में आ जाएगा। तो आधार सीडेड का मतलब ये होता है, मतलब बैंक में आपको EKYC कराना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिक्कत आ रहा होगा, UID does not match beneficiary UID file, ठीक है, मतलब ऐसा शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब आपने अपना पेंशन बनवाया होगा उस समय आधार कार्ड दिया होगा, फिर से आपने जब बैंक में अकाउंट खोले होंगे उस समय आपने दिया होगा आधार कार्ड, लेकिन ये क्या होता है, पेंशन के पोर्टल पर अगर आप 2-3 साल अगर उसमें कुछ नहीं कराते हैं, मतलब EKYC नहीं कराते हैं, उस समय आपको रोक दिया जाता है, वहां पे दोनों मैच नहीं करता है, बैंक से और पेंशन का जो पोर्टल है उसमें से नहीं मैच करता है। तो अगर ऐसा शो हो रहा है आपके स्टेटस में तो इसका एक ही सोल्यूशन है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो बेनिफिशियरी है उसका आधार कार्ड निकलवा लीजिए, मतलब अप टू डेट, मतलब उसका आधार नया कार्ड एक निकलवा लीजिए, अंगूठा फिंगर लगाकर या आई से या मोबाइल नंबर से आप निकलवा लीजिए, और वो आधार कार्ड जो निकलवा रहे नया वाला वो और बैंक पासबुक आपको लेके चले जाना है अपने जिला को समाज कल्याण अधिकारी के पास, और वहां पे दे देंगे तो आपको दोबारा EKYC करेगा। EKYC मतलब पेंशन EKYC, यहाँ बैंक में नहीं, बैंक के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आपको पेंशन में EKYC करा देगा, और जैसे वो EKYC डन हो जाएगा उसके 10 दिन या 5 दिन के बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये जब 2-3 साल नहीं होता है तो वही पे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रॉब्लम आ रहा होगा, UID नेवर इनेबल फॉर DBT। देखिए आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आज तक DBT इनेबल ही नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इनेबल नहीं किया गया है, जिसके चलते आपका पैसा नहीं आ रहा है। DBT का मतलब समझते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका मतलब होता है जो भी बेनिफिशियरी है उसके खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जाए। तो देखिए कंपलसरी है कि आपको DBT कराना एकदम कंपलसरी, उसके बाद ही पैसा आएगा। अगर मान लीजिए 2-3 अकाउंट है और किसी में भी अगर DBT रहेगा, भले ही आप उस अकाउंट का नंबर आप पेंशन में नहीं दिए हैं, लेकिन किसी भी अकाउंट में अगर आपका DBT इनेबल है उस अकाउंट में आपको पैसा भेज दिया जाता है बिना पूछे, तो DBT आपको कंपलसरी है चेक करा लेना। और अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे चेक करें कि आपका पेंशन का स्टेटस कितने बार भेजा गया है, 2-3 बार, मतलब जितनी बार भेजा गया सब आपको वहां पर शो करेगा, तो आप PMF वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उस पर हम जानने के लिए कैसे चेक करना है, क्या क्या लगेगा, हम पूरा एक वीडियो में बताए हैं, तो आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पे जाकर अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।